हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 12 है मंत्री की सोच, जो कि एक बोध कथा है, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, बहुत समय पहले एक राजा राज करता था, यानी कि शासन करता था। उसका मंत्री बहुत ही भक्ति भाव वाला था। भक्ति भाव यानी कि जो ज़्यादा ईश्वर में विश्वास रखता हो, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति भक्ति भाव वाला था। एक दिन राजा का मन हुआ कि वह अपने खाने के लिए, खाने के जो फल है वो स्वयं काटे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जो राजा होते हैं वो अपना काम खुद नहीं करते हैं। छोटा मोटा जो रसोई का काम होता है, खाने वाने का काम होता है, ये उनके रसोई जो होते हैं, उनके नौकर चाकर होते हैं, वो इसे ऐसा करते हैं। तो लेकिन उस दिन क्या हुआ, एक दिन राजा का मन हुआ कि वह अपने खाने के लिए फल स्वयं काटे। उसने सेवक के हाथ से चाकू लिया और लगा फल काटने, यानी कि फल काटने लगा। अचानक चाकू फिसला और उसकी उंगली में जा लगा। तलवार जैसी तेज धार वाले चाकू से उसके बाएं हाथ की उंगली कट गई, यानी कि जो उंगली थी वो बिल्कुल अलग हो गई उसकी। ठीक है, अब क्या हुआ, राज दरबार के सेवकों को जब यह पता चला तो वे दौड़े दौड़े राजा के पास आए और उन्हें दिलासा देने लगे। ठीक है, यानी कि उन्हें थोड़ा से उसकी हिम्मत बंधाने लगे। मंत्री को जब यह बात पता चली, ठीक है ना, मंत्री को जब यह बात पता चली तो वह भी तुरंत राजा के पास आया, परंतु राजा को दिलासा देने की बजाय उसने कहा, क्या कहा देखिए, उसने कहा, महाराज जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। क्या बात कही कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अब क्योंकि राजा मंत्री का बड़ा सम्मान करता था, उसे कतई यह आशा नहीं थी कि उसका मंत्री कष्ट के समय इस प्रकार के वचन बोलेगा। यानी कि बेटा देखो, आप देखिए, आप सपोज़ करिए, आपको मान लो चोट लग जाती है और फिर कोई आपसे ये कहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपका कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही उस राजा को भी लगा, ठीक है ना। लेकिन उस जो उसके जो कड़वे वचन थे, जो इतने उसने कड़वे वचन कहे उस मंत्री ने, इसके पीछे भी कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। तो देखिए आगे इस कहानी में पढ़ते हैं। उस राजा को, उसे कतई यह आशा नहीं थी कि उसका मंत्री कष्ट के समय इस प्रकार के वचन बोलेगा, यानी कि शब्द ऐसे बोलेगा, सेंटेंस जिसको हम कह सकते हैं। मंत्री के कटु वचन सुनकर राजा आग बबूला हो उठा, गुस्सा हो गया। उसने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालने का आदेश दे दिया। ठीक है, उसने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने उसी समय मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में राजा ने एक नए मंत्री की नियुक्ति कर ली, यानी कि उसे तो जेल में बंद कर दिया और दूसरा मंत्री उन्होंने चुन लिया था। अब देखिए आगे क्या होता है इस कहानी में, बहुत ही मज़ेदार ये कहानी होने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जेल में बंद किया जा चुका है। अब आगे देखिए, एक दिन राजा नए मंत्री वे कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। यानी कि एक दिन राजा सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा एक हिरण का पीछा करते करते दूर घने जंगल में जा पहुंचा और रास्ता भटक गया। उसका मंत्री वे सैनिक उससे बिछुड़ गए थे। ठीक है ना, यहाँ देखिए उसके आएगा, उसका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उसके मंत्री वे सैनिक उससे बिछुड़ गए थे। तभी जंगल में रहने वाले आदिवासियों की नज़र राजा पर पड़ी। बेटा आदिवासी जो लोग होते हैं वो जंगल में रहते हैं, ठीक है ना, उन पे कपड़े भी ठीक ढंग के नहीं होते। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आदिवासी लोग हैं, इन पे हमारे जैसे कपड़े नहीं होते, ठीक है ना। ये पेड़ों की छाल वगैरह या पत्ते वगैरह लपेट के ही उनको ही अपने कपड़े बना लेते हैं। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मीट मांस मछली वगैरह खाना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका एक जीवन जो होता है वो बिल्कुल ही हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। इनकी जो परंपराएं होती हैं वो भी अलग होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तभी जंगल में रहने वाले आदिवासियों की नज़र राजा पर पड़ी। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। वे बलि के लिए किसी व्यक्ति को खोज रहे थे, यानी कि ये भी उनकी परंपराओं में से एक परंपरा थी कि वो किसी मनुष्य की बलि
चढ़ाते थे किसी देवी देवता को। तो देखिए, आदिवासी राजा को बलि चढ़ाने के लिए देवी के मंदिर में ले गए। आदिवासी राजा को बलि चढ़ाने के लिए देवी के मंदिर में ले गए। राजा को वहाँ से निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। राजा को वहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि उसके जो मंत्री और जो सैनिक थे वो वहाँ से उससे काफ़ी दूर हो चुके थे। इसलिए अब वो अकेला असहाय था। ये देखिए, अब उसकी मदद के लिए कोई भी उसके पास में नहीं था, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे क्या होता है। पुजारी की मान्यता थी कि देवी ऐसे किसी व्यक्ति की बलि स्वीकार नहीं करती जिसका कोई अंग कटा हुआ हो। इसलिए राजा के सभी अंगों की पूरी जाँच की गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। तभी पुजारी की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। अब देख लीजिए बेटा, ये राजा की कटी हुई उंगली वही थी जो फल काटने के दौरान कट गई थी, जिससे कटने के बाद में उस मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर वो अच्छाई थी, यहाँ पर वो भलाई छुपी हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ। पुजारी ने झट से कहा कि इस व्यक्ति की बलि देवी माँ स्वीकार नहीं करेगी, यानी कि राजा बच गया। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया कटी हुई उंगली के कारण। कटी हुई उंगली के कारण राजा की जान बच गई, राजा की जान बच गई। अब देखिए, वहां से उन्होंने छोड़ दिया था उसे। फिर राजा भटकता भटकता 2 दिनों में किसी तरह अपनी राजधानी जा पहुंचा। वहां सभी राजा के लिए बहुत चिंतित थे, यानी कि परेशान थे। उसने आते ही अपने पुराने मंत्री को कैद से मुक्त करने और उसे सम्मान सहित दरबार में लाने का आदेश दिया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि ये जो मेरी उंगली थी जिसकी वजह से मेरे मंत्री ने मुझे बोला था कि जो होता है भले के लिए होता है, ये बात उसने गलत नहीं कही थी। तो इस बात का जब राजा को एहसास हुआ तो तुरंत दरबार में आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्री को कैद से मुक्त करने और उसे सम्मान सहित दरबार में लाने का आदेश दिया। अब देखिए आगे। मंत्री के दरबार में आते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, ठीक है। मंत्री के दरबार में आते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और प्यार से उसे गले से लगा लिया। यानी कि अगर राजा किसी के लिए खड़े हो रहे हैं तो ये देखिए कि आप ये कितने सम्मान की बात होती है किसी के भी लिए, ठीक है ना। फिर राजा ने जंगल में घटी पूरी घटना मंत्री को कह सुनाई। राजा ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए मंत्री से माफ़ी मांगी और उसके विचारों की प्रशंसा की, यानी कि तारीफ की, और उसे फिर से मंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो राजा हैं वो मंत्री को उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके विचारों की, ठीक है ना, और अपनी जो भूल है उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। अब देखिए, मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो शिक्षा क्या मिलती है इससे हमें, कि हमारे जीवन में घटने वाली दुखद घटना भी हमारे भले के लिए ही होती है। इसलिए कभी भी उस घटना को लेकर ज़्यादा परेशान, ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पैर चलाना ही बंद कर दें, ठीक है ना, और उसका कोई समाधान ही ना निकालें, ठीक है। तो देखिए, इसमें अब इसकी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है हमें कि भारत के कई भागों में आदिवासी आज भी मौजूद हैं। ये अधिकतर अशिक्षित वे पिछड़े हुए हैं। भारत सरकार तथा अनेक प्रदेशों की सरकारों ने इनके उत्थान के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। धीरे धीरे ये देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऐसी जगहों पर, ठीक है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश साइड अभी भी आदिवासी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आदिवासी हैं ये आज भी मौजूद हैं, और ये बेटा ज़्यादातर अशिक्षित और पिछड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि इनके पास कपड़े भी नहीं होते पूरे, और ना ही इनमें इतनी समझ होती है जैसे कि हम अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं जिस तरीके से, ऐसे ये लोग नहीं होते, ठीक है। इनका जीवन जो है हमसे बहुत अलग है, लेकिन अब धीरे धीरे ये हमारे समाज में धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जिनको हम कर लेते हैं। देखिए, एक वर्ड आया था, शब्द आया था स्वयं,
स्वयं का मतलब होता है खुद, यानी कि आवर सेल्फ। इसके बाद देखिए सम्मान यानी कि इज्जत, ऑनर जिसे हम कह सकते हैं, कटु यानी कि कड़वे, बिटर वर्ड जो वो होते हैं, गिरफ्तार करना यानी कि कैद करना, टू अरेस्ट, ओके। उसके बाद सिंहासन यानी कि राजगद्दी, रॉयल जो थ्रोन होता है, ठीक है। आगे है दिलासा यानी कि सांत्वना देना, कॉन्सोलेशन, या हम कह सकते हैं किसी की हिम्मत बंधाना, ठीक है ना। कतई यानी कि बिल्कुल भी, एब्सोल्यूटली जिसे हम कहते हैं। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, टू गेट एंग्री। और बलि यानी कि भेंट यानी कि सैक्रिफाइस करना, ठीक है, या कुर्बानी देना कह सकते हैं। मुस्कुराना यानी कि हंसना, टू स्माइल, ठीक है। ये हमारे कुछ शब्दार्थ थे, अब इनके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम आपको करा देते हैं, ठीक है। आप वीडियो को आराम से धीरे धीरे पॉज करते हुए इनको, इनके जो हैं नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो है, राजा को किस बात की कतई आशा नहीं थी। तो देखिए राजा को, यहाँ पर हमने ये जो लाइन पढ़ी थी कि उसे कतई यह आशा नहीं थी कि उसका मंत्री कष्ट के समय इस प्रकार के वचन बोलेगा, यानी कि राजा को यह आशा नहीं थी कि उसका मंत्री कष्ट के समय कटु वचन, ठीक है ना, कटु वचन बोलेगा। तो हम लिखेंगे कि राजा को यह आशा नहीं थी कि उसका मंत्री कष्ट के समय कटु वचन बोलेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखो राजा को किन लोगों ने पकड़ लिया। तो राजा को जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राजा को जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया। उसके बाद है, पुजारी के अनुसार देवी कैसे व्यक्ति की बलि स्वीकार नहीं करती। तो देखिए पुजारी के अनुसार देवी जो अंग भंग होते हैं, अंग भंग व्यक्ति होते हैं, उनकी बलि स्वीकार नहीं करती, यानी कि कटे हुए अंग के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पुजारी के अनुसार देवी कटे हुए अंग वाले व्यक्ति की बलि स्वीकार नहीं करती। उसके बाद है, राजधानी पहुंचकर राजा ने सबसे पहले क्या किया। तो राजधानी पहुंचकर सबसे पहले देखिए उसने क्या किया। तो यहाँ हम लिखेंगे राजधानी पहुंचते ही, यहाँ पे राजधानी पहुंचते ही उसने अपने पुराने मंत्री को कैद से मुक्त करने और उसे सम्मान सहित दरबार में लाने का आदेश दिया। यहाँ तक हमने करना। उसके बाद देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं कटु, हिरण, उंगली, मंत्री और जेल। अब हमें भरना है इनमें। तो पहला है राजा का, यहाँ पर आएगा मंत्री। राजा का मंत्री बहुत ही भक्तिभाव वाला था। मंत्री के कटु, यहाँ पर आएगा कटु। मंत्री के कटु वचन सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। तीसरा है, सिपाहियों ने उसी समय मंत्री को गिरफ्तार करके जेल, यहाँ पर भरनाया में जेल में बंद कर दिया। राजा एक हिरण का, यहाँ पर आएगा हिरण। राजा एक हिरण का पीछा करते करते दूर घने जंगल में जा पहुँचा। और लास्ट है हमारा कटी हुई उंगली, यहाँ पर लिखना है कटी हुई उंगली के कारण राजा की जान बच गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये पाठ के आधार पर घटनाओं को सही क्रम में लिखना है, यानी कि यहाँ पर घटनाएँ दी हुई हैं पाठ की, ठीक है ना। और फिर उस घटनाओं को आपको क्रम वाइज लिखना है कि जैसी पहली घटना थी ये कि बहुत समय पहले एक राजा राज करता था। फिर दूसरा जो दूसरी लाइन आएगी वो कौन सी आएगी, जैसे कि दूसरी लाइन में बताता हूँ, बहुत समय पहले एक राजा राज करता था। अब इसमें दूसरी लाइन क्या आएगी कि उसका मंत्री व सैनिक उसे बिछुड़ गए, आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया, या आदिवासी राजा को बलि चढ़ाने के लिए देवी मंदिर ले गए, राजा मंत्री का बड़ा सम्मान करता था, फिर राजा ने पूरी घटना मंत्री को सुनाई। तो इसमें जो आएगी दूसरी लाइन वो आएगी राजा मंत्री का बड़ा सम्मान करता था, दूसरी लाइन ये है, ठीक है ना। घटना है पहली ये, दूसरी ये, राजा मंत्री का बड़ा सम्मान करता था। तीसरी घटना फिर क्या होनी चाहिए, तो क्रम वाइज आपको लिखना है। ये एक्टिविटी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आपको कंप्लीट करनी है। आपने अगर पाठ को ठीक ढंग से समझा होगा तो इसे करना बड़ा ही आसान आप लोगों के लिए रहेगा। उसके बाद अगला है, इसे देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो पहला है, राजा की उंगली कैसे कटी। तो कैसे कटी थी, तो यहाँ लिखेंगे हम कि देखिए, एक दिन राजा स्वयं चाकू से फल काट रहा था, अचानक चाकू फिसला और तेज धार से उसकी उंगली कट गई, ठीक है। अगला है, राजा ने मंत्री को जेल में क्यों बंद करवा दिया। इसमें आएगा कि मंत्री के कड़वे वचन सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में आकर मंत्री को जेल में बंद करवा दिया। अगला है, आदिवासियों ने राजा को क्यों छोड़ दिया। आदिवासियों ने राजा को क्यों छोड़ दिया,
तो पुजारी के कहने पर पुजारी ने कहा था कि हमें ऐसे व्यक्ति की हम बलि नहीं दे सकते जो जिसका कोई अंग कटा हुआ हो, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि पुजारी ने कहा इस व्यक्ति की बलि देवी माँ स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया, ठीक है। पुजारी ने कहा कि इस व्यक्ति की बलि देवी माँ स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, शिक्षा यही है कि हमारे जीवन में घटने वाली दुखद घटना भी हमारे भले के लिए ही होती है, ठीक है ना। ये वाली लाइन आपको अपने आंसर में लिखनी है। इसके बाद देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ये एक्टिविटी जो है वो आप लोगों के लिए है, आपको खुद करना है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन करवा के कि चाकू से किसकी उंगली कटी थी, मंत्री की, पुजारी की, राजा की या सिपाही की। तो इसमें पहला है जो राजा की आएगी, ठीक है ना, इस पर टिक लगाना है। ऐसे ही आपको ये दो जो क्वेश्चन बच गए हैं ये आपको करने हैं। राजा कहाँ गया था, दोस्त के पास, जंगल में, पहाड़ पर या पड़ोस गाँव में, तो आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा है। अंत में राजा ने किससे माफ़ी मांगी, मंत्री से, पुजारी से, आदिवासियों से या सैनिकों से, तो इसका राइट ऑप्शन भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं, पाठ में आए कुछ युग्म शब्द छांट कर लिखिए। बेटा, युग्म शब्द वो होते हैं जो जोड़े के साथ बोले जाते हैं, जैसे कि पहला इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है दौड़े दौड़े, ठीक है ना, दौड़े दौड़े ये युग्म शब्द है। ऐसे ही पाठ में हमें कोई और तीन शब्द ऐसे छांटने हैं युग्म शब्द, और उनको छांट कर यहाँ पर लिखना है। तो चलते हैं पाठ की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो एक जो युग्म शब्द आया था वो आया था यहाँ पर दौड़े दौड़े, ठीक है ना। इसके बाद आगे जो वर्ड है वो है यहाँ पर ये रहा आग बबूला, जो है ये दूसरा युग्म शब्द हो गया आग बबूला, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं है। फिर यहाँ देखिए आगे, यहाँ पर ये एक शब्द आया है करते करते, ठीक है ना, करते करते ये तीसरा युग्म शब्द है। उसके बाद देखिए नीचे, यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा युग्म शब्द नहीं आया है। फिर यहाँ नीचे ये देखिए, भटकता भटकता, यहाँ पर एक युग्म शब्द है, ठीक है। तो इसके साथ में हमारे जो चार शब्द हैं वो पूरे होते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका पहला जो एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आपको खुद करना है। जैसे कि इसमें पहला है प्रातःकाल, इसे जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रातःकाल, इनको प्लस का निशान हट जाएगा और ये एक साथ लिखा जाएगा प्रातःकाल, ठीक है ना, प्रातःकाल एक साथ लिखा जाएगा। जमा का जो निशान है इसमें वो सिर्फ हटा देना है हमें, बाकी ये सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही महाराज को अगर हम लिखेंगे तो महाराज में से भी सिर्फ जमा का निशान हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा महाराज, ठीक है। तो देखिए, प्रातःकाल को हमें लिख देना है यहाँ पर, उसके बाद में हमें इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जैसे हमें हमारे लिए लाइन दी हुई है, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप नोटबुक में इसे लिखेंगे। तो जैसे कि हमें इसे वाक्यों में प्रयोग करना है, तो पहला जो है वो हम लिख सकते हैं कि देखो, प्रातःकाल की सैर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरा जो महाराज है वो भी वाक्यों में पिरोना है। इसके अलावा दो शब्द और हैं, ये है सिंहासन। सिंहासन में देखिए, सिंह प्लस आसन है, सिंह जमा आसन। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंह जमा के बाद ये जमा का निशान हट जाएगा और जो आ है, आ का यहाँ से हटा के हम सिर्फ यहाँ पर है के बाद में आ का जो है, आ की मात्रा यानी कि ये जो खड़ी पाई है आ की, ये यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। और ये सैने सन लिखाई जाएगा, यानी कि स ई की मात्रा अंक की बिंदी है और फिर यहाँ पर आ का डंडा लग जाएगा और सैने सन सिंहासन। तो इस तरीके से सिंहासन हमें लिखना है, उसके बाद में इसे वाक्यों में हमें पिरोना है। आदिवासी सेम रहेगा, जमा का निशान इसमें से बीच में से सिर्फ हट जाएगा और उसके बाद आपको इसे वाक्यों में इस्तेमाल करना है। बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनमें एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होता है, जैसे सम्मान। इस शब्द में म वर्ण व्यंजन का दो बार प्रयोग हुआ है, इन्हें द्वित्व व्यंजन वाले शब्द कहते हैं। द्वित्व व्यंजन यानी कि जहाँ पे हम
डबल जो व्यंजन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सम्मान में हमने एक आधा मैं और एक पूरा मैं लगाया है, उसके बाद आ की मात्रा लगाई है ना। ऐसी बहुत सारे वर्ड शब्द जो हैं वो हमें हिंदी की उसमें मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पर द्वित्व व्यंजन दिए हुए हैं, जैसे कि आधा के और पूरा के, क एक आधा ने पूरा ने और एक आधा चे और पूरा चे, ठीक है। तो इसको आपको फिर इनका जो है कोई दो दो शब्द आपको यहाँ पर बनाने हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं इनका आपको कंप्लीट करके देता हूँ। जैसे कि पहला है आधा के और पूरा के, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसमें हम एक लिख सकते हैं निक्कर, ने में छोटी ई की मात्रा लगानी है, फिर आधा के और पूरा के ये लिखना है बीच में, और फिर बाद में आ जाएगा र, निक्कर। दूसरा हम लिख सकते हैं चक्कर, चे लिख लिया, फिर आधा के पूरा के ये वाला हमें जो द्वित व्यंजन है ये लिख लेना है, और फिर लिख लेना है र, तो चक्कर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टक्कर भी लिख सकते हैं, टे लिख के फिर ये द्वित व्यंजन हमने इस्तेमाल किया और र लिख लिया, टक्कर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही जो ये है डबल ने हैं, आधा ने और पूरा ने, यानी कि द्वित व्यंजन दिया हुआ है ये ने का, और ऐसे ही द्वित व्यंजन ये है चे, ठीक है ना। ये भी आपको इनके भी कोई दो दो शब्द आपको बनाने हैं, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है। तो इसके साथ में हमारा जो चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।